नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, धनतेरस के साथ 5 दिनों का दिवाली का पर्व शुरू हो गया है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से शुरू होकर 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक है। इसलिए 22 अक्टूबर की शाम दीपक जलाने और धनवंतरी जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इतना ही नहीं, 22 अक्टूबर को त्रिपुष्क योग भी बन रहा है। ऐसे में खरीदारी करना कई गुना अधिक फल देने वाला माना जाता है। वहीं ज्योतिषाचार्य पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि धनतेरस की पूजा किस तरह से पूजा अर्चना करें जिससे सभी मनोकामना पूरी हो और जीवन में सुख शांति बनी रहे। वहीं उन्होंने बताया कि धनतेरस पर क्या करना शुभ रहेगा और क्या करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय सभी दर्शकों को, देशवासियों को, शहरवासियों को धनतेरस की दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को बताना चाहता हूँ कि इस बार जो धनतेरस का जो त्यौहार है हमारा, वो बड़े हर्षोल्लास का त्यौहार है और ये 22 तारीख को शनिवार को इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। इस दिन विशेष तौर से जो धनतेरस है, तेरस क्या लेट आई है, तो इस कारण से इस त्यौहार को पूरे दिन भर माना जाएगा। क्योंकि हमारी धर्म मान्यताओं के अनुसार एक घड़ी भी यदि आता है तो हम उस त्यौहार को मनाते हैं उसी दिन मनाते हैं। तो धनतेरस का त्यौहार शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन ज्योतिष के आधार पर भी बहुत से ऐसे योग हैं जो कि अति शुभ है। जैसे शनि अपनी कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो इस कारण से शनिवार के दिन हम लोग जो भी यदि वाहन लेना चाहते हैं, लोहे का सामान लेना चाहते हैं, बर्तन लेना चाहते हैं, वो अति शुभ होगा क्योंकि इस बार शनि अपनी खुद की राशि पे हैं, वो जो शुभ फल देंगे। दूसरी बात, वैभव विलासता के मालिक शुक्र हैं, शुक्र भी अपनी तुला राशि में है, ये भी एक अति शुभ महत्व है उसका और एक अति शुभ उस दिन इसका वो पड़ रहा है। दूसरे हम लेते हैं कि बुध भी कन्या राशि में है, वो भी शुभ माना गया है और गुरु भी अपने मीन राशि में है, ये भी अति शुभ माना गया। धनतेरस का जो हमारा धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इस दिन धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन हमें विशेष तौर से जितना भी जो हमारा मेडिकल डिपार्ट है या जो दवाइयों से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर हैं या जो भी अस्पताल हैं, तो इन लोगों को और जो लोग बीमार रहते हैं घर में, आजकल जो पोजीशन है हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, इन लोगों को आज के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करना चाहिए। धन्वंतरी भगवान की पूजा से अमृत की प्राप्ति जो होती है, जो यदि कोई बीमार है तो उनकी पूजा करने से उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। इसी तरीके से यदि किसी डॉक्टर की यदि वो क्लिनिक नहीं चल रही है या अस्पताल नहीं चल रही, तो वो भी धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें भी जरूर फायदा होगा। कई हमारे मेडिकल व्यापारी लोग हैं जो मेडिकल का व्यवसाय कर रहे हैं, दवाइयों का व्यवसाय कर रहे हैं, उनको भी धन्वंतरी भगवान की पूजा करना चाहिए, वो अति शुभ रहेगी। इसके बाद में हम लेते हैं कि जो लोग हमेशा बीमार रह जाते, क्योंकि आजकल खान पान ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर देखा गया कि हर घर में कोई ना कोई बीमार, कोई ना कोई बीमारी हर आदमी को लगी है, तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की यथाशक्ति पूजा करेंगे तो उनको इसमें जरूर फायदा होगा। दूसरी बात हम लेते हैं कि आज के दिन हमें जो व्यापारी बंधु है, इन लोगों को बही खाते हैं, पेन है और जो भी इस टाइप की जो चीज़ें उसमें उपयोग आती है उसको लेना चाहिए और उनकी पूजा करने से उनका साल भर पैसा फंसेगा नहीं और जो व्यापार में जो विवाद होते ज़्यादातर वो विवादों में कमी आएगी और व्यापार भी अच्छा चलेगा। इस दिन बही खाते लें, पेन लें और जो भी ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब चीज़ लेंगे तो इनके लिए काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा और ये व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस बार हम धनतेरस पे क्या लें और क्या नहीं लें, क्योंकि हर आदमी, तो मैं ऐसे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास पैसा है वो तो कोई भी चीज़ ले सकता है, लेकिन आप हम समय जगत चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक हमारा वर्ग होता है कि जिसके पास पैसे का अभाव रहता है, तो वो ऐसा क्या करे कि अगली बार की जो धनतेरस है उसमें उनको अच्छी पोजिशन हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या चीज़ लें धनतेरस के दिन। विशेष तौर हर वर्ग को, हर आदमी को एक झाड़ू लेना चाहिए।
झाड़ू लेना के हर वर्ग अपने बजट में रहती है, वो ले सकता है। झाड़ू लेने के बाद में वो चाहें तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार सोना लेवें, चांदी लेवें, और इसके बाद में बर्तन ले सकते हैं, सभी प्रकार की गाड़ियां ले सकते हैं, लग्जरी वाहन, कपड़े ले सकते हैं, सोना चांदी हो गया, स्टील के बर्तन है, जो भी उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब चीज़ इस दिन लेना चाहिए। मान्यता तो ये है कि इस दिन विशेष तौर पर खाने पीने से संबंधित जो बर्तन होते हैं उसको लेना चाहिए। उसके लेने से, उसको उपयोग करने से हमारी धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं कि उससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और जो बीमारियां हैं, नेगेटिव चीज़ें, वो बाहर जाती हैं। यदि कई लोगों के मन में देखा है कि अशांति रहती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है और मतलब आंसू जरा में आ जाते हैं, उन लोगों को यदि आज के दिन यदि कोई चांदी का बर्तन लेते हैं, चांदी की कोई छोटी सी कोई भी गिलास ले लें और एक चांदी की चम्मच ले लें, उसकी पूजा करें, पूजा करके वो पानी भगवान को चढ़ाएं और उस एक चरणामृत उसका खुद भी लेवें, तो उससे उनके मन में जो विल पावर बढ़ेगा और उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आएगा। एक चीज़ हम झेलते हैं, दूसरी चीज़ हम झेलते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सभी लोगों को मालूम रहता है यथाशक्ति सभी लोग खरीदते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा खुशी में हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं, पता नहीं रहता। तो इस कारण से मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस दिन किसी भी तरीके से चाकू हुआ, धारदार जो रहते हैं सामान, उनको नहीं खरीदना चाहिए। जैसे चाकू हुआ, कैंची हुआ और जो कील वगैरह हैं, इस टाइप की जितनी जो चीज़ें हैं धारदार, इनको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में जो कांटेदार, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो कांटेदार रहती है, उनको भी नहीं लेना चाहिए। अभी आपके घर में यदि कोई कांटे वाला कोई पेड़ पौधा है, या तो लेना नहीं चाहिए, लगाना भी नहीं चाहिए कायदे में, तो आज के दिन कांटे वाले पौधा भी नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। तो ये चीज़ हमें सावधानी रखना है, ये सावधानी रखने से हमें पूजा करेंगे तो वो हमारे लिए अति शुभ होगी। दूसरी बात हम लेते हैं, इसमें धन्वंतरि के अलावा कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है और कुबेर भगवान की पूजा करने से भी हमको बहुत सिद्धि मिलती है। हम इसमें आपके धनतेरस पे माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि जो दीपावली का त्यौहार 5 दिन का त्यौहार होता है, तो एक दिन तो धनतेरस का हो जाता है, दूसरा नरक चौदस का हो जाता है, तीसरे दिन दिवाली होती है और फिर इसके बाद में आपका जो गोवर्धन पूजा होती है वो भाई दूज होते हैं। तो इस हिसाब से हमें दिवाली के, तो इस दिन राजा बलि ने क्या किया था, लक्ष्मी जी इस पे वरदान मांगे थे कि यदि किसी के यहाँ दरिद्रता रहेगी, कोई परेशान रहेगा, तो क्या करना चाहिए। तो राजा बलि जब लक्ष्मी जी बोले कि क्या आप क्या बोलना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, तो राजा बलि ने महालक्ष्मी जी से ये वरदान मांगा कि मेरे राज्य में पूरी पब्लिक शांत रहे, मतलब धनी रहे, सुख सौभाग्य सब चीज़ मिले। तो बोले ये कैसे संभव हो, तो बोले नहीं मुझे तो यही वरदान चाहिए। तो राजा बलि ने जब हट की तो लक्ष्मी जी ने वरदान में आशीर्वाद स्वरूप दिया कि आपके राज्य में, तो मतलब धनतेरस और नरक चौदस और अमावस्या को जो तीनों दिन दिवाली मनाएगा, तो उसके घर में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगी, व्यापार विलासता बढ़ेगी और इस टाइप से उसको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम जो दिवाली पे जो दिया जलाते हैं, धनतेरस का मतलब होता है 13, मतलब 13 दीपक कम से कम हमको दिवाली के धनतेरस पे जलाना है और इनको भी एक अलग अलग हिसाब से हमको रखना है। जैसे हमें जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है, सपोज़ के तरह आपके बच्चा यदि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, तो एक दीपक आप उसकी जहाँ पढ़ता है उसकी टेबल के पास में रख दीजिए। दूसरी बार हम मान के चलें कि कुछ पैसे की दिक्कत है, तो एक हम जो तिजोरी है, गोदरेज, उसके सामने रख दें। तीसरा दीपक मान के चलो हमें मतलब अस्वस्थता रहती है घर में, बीमारी वगैरह रहती है, तो तीसरा दीपक हम लेंगे वो आपके किचन में रख के आ जाएंगे। चौथा दीपक जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है, पता चला कई घर में ग्रह कलेश होता है, तो उस चीज़ में हम जहाँ सोते उस कमरे में आप रख के आ जाइए। और चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, आग्नेय, ऐसे 8 दिशाओं में जे रख के इस टाइप से हमें 13 दीपक रखना है। और घर के बाहर 2 दीपक रखना है, गेट, मेन गेट पे 2 दीपक रखना है। और इसके बाद में हल्दी और चावल को पीस लें और उससे अपने गेट के दोनों तरफ ओम लिख लें। यदि जो संभव नहीं हो सकता तो सिंदूर से भी शुभ लाभ जरूर लिखें, इससे भी महालक्ष्मी की कृपा होगी होगी। इसमें एक चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि हम जो पूजा करें, हर आदमी की अपनी अपनी वो रहती है, कैपेसिटी रहती है, क्षमता रहती है, अपना अपने कई चीज़ों की दिक्कत होती है।
तो बड़ी प्रसन्नता से करें। इस दिन घर में गिरह क्लेश न करें, आपसों में गिरह क्लेश न करें, क्योंकि वाद विवाद कर लेते हैं पूरा मजा बिगड़ जाता है। आप कितनी पूजा करो, तो घर में सबसे पहले तो वाद विवाद ना करें और एक पट्टे पे बढ़िया कुबेर भगवान की पूजा रखें, धन्वंतरी भगवान की मूर्ति रखें, कुबेर भगवान की मूर्ति रखें या फोटो ले लें, लक्ष्मी जी की फोटो ले लें और तीनों की पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें और जैसे संभव हो वैसे पूजा करें। इस दिन मिठाई बांटें और एक 13 दिन 13 दीपक सब जगह रखें, इससे आपके घरों में मनोकामना पूर्ण होगी, यथासंभव सब स्थितियां अच्छी होगी, आप बढ़िया खुश रहें, मस्त रहें, त्यौहार को बढ़िया हंसी खुशी मनाएं, किसी तरीके से विवाद ना करें और अपनी जो यथाशक्ति जो संभव है वो सब चीज़ें खरीदें और उसका बढ़िया आराम से एंजॉय करें त्यौहार में। मैं अब लास्ट में सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूँ और सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।